नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन और अंतिम दिन भी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों और देश के जाने माने प्रबंध विशेषज्ञों ने परिचर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी चिंतन शिविर में उपस्थित रहे। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम साय ने कहा कि लगातार विभिन्न विषयों पर सत्र चल रहा है। देश भर से विद्वान जनों का यहां पर आना हुआ एवं सभी ने अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ में खनिज और वन संपदा का भंडार है। यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम हमारे प्रदेश को विकास की दृष्टि से बहुत आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का 247 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी हमें विकसित प्रदेश बनाना है। यहाँ जो विद्वान जन आए हैं, उन्होंने आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है और इसे आगे कैसे ले जा सकते हैं, उस पर अपना वक्तव्य दिया। हम लोगों ने भी सबको सुना और समझा है। ये चिंतन शिविर विकसित छत्तीसगढ़ के हमारे विजन में बहुत ही कारगर साबित होगा। IIM रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और आज दूसरा दिन है और इस चिंतन शिविर में सभी हमारे मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यगण उपस्थित हैं। कल से लगातार सत्र चल रहे हैं विभिन्न विषयों पर और देश भर से विद्वान जन यहाँ पर आके अपना विचार रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ वास्तव में बहुत रिच प्रदेश है। यहाँ पर खनिज संपदा है, वनोपज है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग इस प्रदेश को विकास के दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना पड़ेगा और लगातार जो यहाँ पर विद्वान जन आए वो छत्तीसगढ़ की आज स्थिति क्या है और आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, उस पर अपना वक्तव्य दिए हैं और हम लोगों ने सबको सुना है, समझा है और इसमें जो भी सत्र चल रहे हैं बहुत उपयोगी हैं और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए वो बहुत ही कारगर होंगे।